बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए हम लोग पहलगाम रूट से बाबा का दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। पूरी टीम के साथ हम लोग हैं और होपफुली 3 दिन में हम लोग का यात्रा वहाँ तक पहुँच जाएगा और दर्शन करेंगे बाबा का, इसी अपेक्षा से आए हैं। अभी तक तो सब कुछ अच्छा रहा है, यहाँ की गवर्नमेंट का, यहाँ CRPF का, सारा का व्यवस्था बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। अब आगे बाबा की महिमा जहाँ तक लेके जाए। आनंद बहुत है, वो असीमित है, आनंद का कोई सीमा नहीं है। बाबा से दर्शन करना है, आप सोच सकते हैं मोटा मोटी हम लोग एक कंट्री के एक पार्ट से आए हैं दूसरे पार्ट में, तो वो उनका कृपा है। एक ही मन्नत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब खुश रहें, सब निरोग रहें, यही है। सब रहेंगे तो हम भी रहेंगे। मैं काफी समय से सोच रहा था कि बाबा बर्फानी के मैं दर्शन करूं और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज यहां पे हूं। हम कल ही यहां पे पहुंच गए थे और यहां की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, रहने की, रुकने की, खाने की और सभी मेरा व्यवस्था पूरी है। सिक्योरिटी पर्पज भी, सिक्योरिटी जो इंतजाम किए गए वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आज हम निकल रहे हैं यहां से, पहलगाम रूट से हम निकलेंगे और अभी दोपहर तक शायद वहां पहुंच जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आज हम अपना ट्रैक शुरू कर दें तो 2-3 दिन के अंदर हम वापस आएं। और बड़ी खुशी है, व्यवस्था बड़ी, जो पूरा अरेंजमेंट बड़ा अच्छा था। मैं आप सोचे कि मैं कई सालों से प्लान कर रहा था, बस ये है कि इत्तेफाकन की इसी बार मौका मिला। मेरे दोस्त जो है प्रणव जी, ये है इनकी, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्हें प्लान बनाया और हम तीनों इस बार हम चल पड़े। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि बाबा बर्फानी के दर्शन तभी होते हैं जब बाबा बुलाते हैं, तो इस बार वो संजोग बन गया, हम यहाँ पे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन की इच्छा थी और बाबा का बुलावा आ गया तो हम चले आए अपनी टीम के साथ। और हम बाबा धाम देवघर से आ रहे हैं, वहाँ भी ज्योतिर्लिंग है बाबा का, और वहाँ से एक बाबा का आशीर्वाद लेके दूसरे बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। एक असीमित खुशी है, बहुत आनंद है, बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का इंतजाम वगैरह भी बहुत अच्छा है, तो बहुत खुशी है।